शिवपुरी के बदरवास में रहने वाले एक वृद्ध ने एसपी को दिए आवेदन में गुहार लगाई है कि उसके पड़ोस में रहने वाले दबंग ने उसकी और उसकी वृद्ध पत्नी और बेटे की मारपीट कर दी है और उन पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, जिसकी शिकायत आज वृद्ध ने एसपी शिवपुरी से की है। जानकारी के अनुसार रघुवीर केवट पत्नी रामबाई और पुत्र कला के साथ एसपी ऑफिस शिवपुरी पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले दबंग वीरू ओझा और नाजिर वीरू का भाई परमार ओझा, नाजिर लल्लू छोटू, इन सभी ने मिलकर पूरे परिवार को लोहा फरसा से मारा। वहीं वृद्ध का हार फ्रैक्चर हो गया, जिसके बाद वो थाने पहुंचा, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। वहीं डरा धमका कर थाने से भगा दिया गया। वहीं उन्होंने बताया कि पड़ोस में रहने वाले उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और टपरिया में आग लगाने की धमकी भी देते हैं। एसपी को आवेदन सौंप कर न्याय की गुहार लगाई है। मोनू नामदेव की रिपोर्ट। क्या नाम भाई आपका? राम भाई है मेरा भैया। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए हो? बदरवास से। जी कौन है आपके? मालक है मेरे। मारपीट करी। किसने कर दी? बीरू ने। बीरू ने वाला झूठू ने मारपीट क्यों करी? अब कपाती कहा करी मारपीट? बेटे सौदा लेके आ रहे थे भी तो वहां को दिवाली को से हमार के दिन हमार धनतेरस के दिन। आप लोग वहीं रहते हैं? मंदिर रोड पे, नाज मंदिर रोड पे। कहाँ पे? कोलर बदरवा। आपने संबंधित थाने में शिकायत की? करी नहीं सुना। पैसा भर रहा था? पैसा भर रहा था, नहीं सुनी। मारा बटका के भगा था। कौन कौन को मारा? तीनों ने मारी हमें। तीनों को मारा? हाँ।